देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। भव्य झांकी के साथ 40 फीट ऊंचे शिवलिंग और द्वादश ज्योतिर्लिंग का हजारों भक्तों ने किया दर्शन। बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र के द्वारा सजाई गई भव्य झांकी का हजारों की संख्या में लोग अवलोकन कर रहे हैं। इस झांकी में स्वर्णिम भारत में एकता, अखंडता व अहिंसा का संदेश दिया गया है। इसके साथ ही परमपिता परमात्मा शिव का सत्य परिचय कराती झांकी भी शामिल है। संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने भी झांकी के साथ साथ पूरे सेवा केंद्र का अवलोकन किया। इसके साथ ही राजकिशोर नगर में धूमधाम के साथ शिव जयंती मनाई गयी। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह थी कि विभिन्न वर्गो से जुड़े हुए महानुभवों ने शिरकत की तथा संस्था के 20 प्रभागों का प्रतिनिधित्व कर अमृत महोत्सव की शुरुआत की। इस दौरान टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, मुंबई से आए कैप्टन आर के त्रिपाठी ने सब कॉन्शियस माइंड की शक्ति का सदुपयोग करने की बात कही। जब हम विकारों से मुक्त स्थिति में स्थित होंगे तभी हम अमृत पान कर सकेंगे। शिवो हम निर्विकारो हम, यस्त निर्विकारो हम, निर्विकल्पो हम। निर्विकल्प हम तभी बन पाते हैं जब हम अपने अंदर के विकारों को समाप्त करते हैं। विश्वगुरु भारत का जो है वो ऐसे ही नहीं था। हमारी बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना अतुल्य समय और अपने पूरा दिन रात लगाती हैं। मुख्य पार्षद अधिकारी राघवेंद्र पांडे, डॉक्टर मुनीश बुधिया ने भी संस्था के सदस्यों के स्नेह युक्त व्यवहार व वातावरण की सराहना की। राज्यपाल ने ब्रह्म कुमारी को किया सम्मानित, गायक कुमार सानू भी उपस्थित। राज्यों के प्रचार प्रसार के लिए ब्रह्म कुमारी से जुड़े बीके डॉक्टर दीपक हरके को राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा सम्मानित किया गया। 174 विश्व रिकॉर्ड हासिल करने में उनकी उल्लेखनीय भूमिका के लिए राज्यपाल ने उन्हें ट्रेड सेंटर अवार्ड से सम्मानित किया। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक कुमार सानू भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि ट्रेड सेंटर अवार्ड एक वार्षिक पुरस्कार समारोह है जिसे टाइम्स एम्प्लॉयड द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए व्यक्ति, समुदाय या संस्थान को मान्यता देने के लिए आयोजित किया जाता है। राजगढ़ सेवा केंद्र के द्वारा शिव जयंती पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में विधायक बापू सिंह तंवर ने कहा कि ज्ञान के सागर परमात्मा के ज्ञान को स्वयं में धारण करें और ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाली ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाकर सत्य ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएं। दिशाहीन में जो भटक जाता है उसको सही दिशा में किस प्रकार से लाया जाए, ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय जो समाज में सद्भावना और सकारात्मकता लाने का जो कार्य किया जा रहा है, ये हमारी समाज के कल्याण के लिए। बहुत सारी नई जानकारी जो सम्मानित दीदी ने हमें दी है, हम जीवन में उनका अनुसरण करें। वहीं प्रभारी बीके मधु ने कहा कि परमात्मा शिव निराकार ज्योतिर्लिंग स्वरूप है जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के भी रचयिता है। एक ही पर्व है सब पर्वों का पर्व जिसको महाशिवरात्रि बोली जाती है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में जितनी विकृतियां हैं उन सारी विकृतियों को हम त्यागे, फिर वो ईर्ष्या हो, द्वेष हो, अहंकार हो, तो ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है इसकी पूरी सार्थकता रहेगी। मुरादाबाद के बुद्ध बाजार चौराहे का नाम ब्रह्म कुमारी चौक रखा गया है जिसका उद्घाटन मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल तथा बुद्ध बाजार के पार्षद गौरव श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। इस दौरान मेरठ जोन के प्रभारी बीके आशा, बीके शिवम समेत कई बीके सदस्य मौजूद रहे। सभी ने परमात्मा की याद द्वारा चौक का उद्घाटन किया जिससे वहां से गुजरने वाले सभी यात्री सुख शांति का अनुभव करें और सड़क दुर्घटना से बचाव हो। ब्रह्म कुमारी संस्था वर्तमान में ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रम से लोगों में सकारात्मक जागृति कर जीवन में आशावादी बनाने का बहुत बड़ा महान कार्य कर रही है। ये बात विधायक गणेश हुक्केरी ने महाशिवरात्रि कार्यक्रम के दौरान कही जो कि कर्नाटक बेलगांव के शाहपुर में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान, एयरफोर्स ऑफिसर सुहास देश पांडे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीनाक्षी समेत अनेक विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। राजकोट के रवि रत्न पार्क सेवा केंद्र के द्वारा 86वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती पर
51 किलो घी के श्री महाकालेश्वर और द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन व आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका गुजरात जोन के निदेशक बीके भारती, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी, डीएसपी बीके झाला समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलन और महाआरती करके किया। 5 दिवसीय इस दर्शन का लगभग 5,000 लोगों ने लाभ लिया। नरवाना सेवा केंद्र पर महाशिवरात्रि महोत्सव पर सैकड़ों लोगों ने एक साथ मेडिटेशन के द्वारा शांति का अनुभव किया और पूरे वातावरण को शिवमय बना दिया। इस मौके पर मौजूद डॉक्टर राजेश गुप्ता ने कहा कि मेडिटेशन से विश्व को तनाव मुक्त करने में ब्रह्मा कुमारी जुटी है। शारीरिक शक्ति जरूरी है, साथ साथ मानसिक शक्ति भी जरूरी है। अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करती है तो आप दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको एक सुखमय जीवन जीने से रोक सके। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा, बीके ममता, बीके रेणु समेत अन्य बहनों ने अपनी शुभकामनाएं दी। वही युवाओं ने मायावी दुनिया व विकारों के जादू से बचकर रहने के विषय पर सुंदर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। रीवा में भी पर्व को लेकर काफी उत्साह दिखा। इस कार्यक्रम में महापौर शिवेंद्र सिंह, डॉक्टर एस के त्रिपाठी, डॉक्टर अक्षय कुमार, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने शिवरात्रि को लेकर अपनी अपनी मत रखी। वहीं बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा पर्यावरण के प्रति अनुराग बढ़ाने वाले गीत और नृत्य नाटिका के द्वारा शिव परमात्मा, जो हमें विकारों से मुक्त बनाने के लिए अवतरित हो चुके हैं, उनका पैगाम दिया। सिलिकॉन वैली के मिलीपिटास सेवा केंद्र पर शिवरात्रि धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर परमात्मा अवतरण के दिन को सभी ने उमंग उत्साह से सेलिब्रेट किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज़।